हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल द गवर्नमेंट जॉब्स। और यहाँ पे हम प्रिपेयर कराते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरीके के क्वेश्चंस, हर तरीके के टॉपिक्स, चाहे वो स्टैटिक हो, करंट हो या कोई भी और अलग टॉपिक हो। हमारे पास मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, इंग्लिश के, हर एक टॉपिक के अलग अलग टीचर्स हैं और वो आपको एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कि आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है गाइस, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे कि मोदी जी ने अभी कैबिनेट की रीशफलिंग करी थी, है ना। कोई मिनिस्ट्री किसी डिपार्टमेंट किसी मिनिस्टर को मिला है, कोई डिपार्टमेंट किसी मिनिस्टर को मिला है। तो अभी जो इस टाइम पे एकदम लेटेस्ट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं और जोन जोन सा भी पोर्टफोलियो जिस पीपल को मिला है, हम वही सारे इम्पॉर्टेंट पर्सन यहाँ देखने वाले हैं। जैसे कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि आपसे बोल दिया जाएगा कि एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर के अंडर है, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर के अंडर है। तो सिर्फ ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से, अब बाकी आप इसको अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप दो चार लोग जैसे बैठे हैं आपस में और आपसे कोई पूछ ले इस टाइम हमारे कोल मिनिस्टर कौन है, आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो ये कोई सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, वैसे भी हमारी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये वाली मिनिस्ट्री कौन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आज हम यही सारा टॉपिक बहुत ही इजी वे में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको सारे मिनिस्टर्स टिप्स पे हो जाए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। हमने इस वीडियो में किस तरीके से करा हुआ है, यहाँ पे आपको जो भी पर्सन जो भी होल्ड कर रहा होगा ये मिनिस्ट्री, वहाँ पे उनकी फोटो दिखाई जाएगी, ऊपर उस पर्सन का नेम, और यहाँ पे जोन जोन से भी डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आ रहे हैं वो सब। तो इससे आपको बहुत इजीली सब कुछ याद भी होता रहेगा और आपको कोई भी दिमाग पे बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? सब लोग जानते होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के पास और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। तब हम लोग देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पास और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट, उनके पास कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है? गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास जो मिनिस्ट्रीज हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन सी उनके पास मिनिस्ट्री है। तो नरेंद्र मोदी जी के पास है मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। आप लोगों ने देखा होगा ना कि पेंशन, जैसे लोगों को पेंशन मिलती है ओल्ड एज वालों को, या जितने भी हमारे वीकर सेक्शंस होते हैं उनको, या कोई विडो है उनको पेंशन मिलती है ना। सारा पेंशन का डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर के अंडर है? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे क्या है वो? दूसरे वो पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, पेंशन है। और पब्लिक ग्रीवेंस क्या होती है? देखिए पब्लिक ग्रीवेंस क्या होती है? ग्रीवेंस का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम। आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग किसको रिड्रेस करेंगे, किसको बताएंगे? तो आपके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनके लिए कौन से मिनिस्टर हैं? वो है नरेंद्र मोदी जी। तो कोई भी ग्रीवेंस है उसके लिए आपको ग्रीवेंस कंप्लायंस, आपने सुना होगा ग्रीवेंस कंप्लाइंस क्या होता है? हम लोगों का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी कंप्लेंट करेंगे तो वो उस डिपार्टमेंट पे जाती है, ठीक है। अब वो डिपार्टमेंट के हेड कौन है? उस डिपार्टमेंट के हेड भी कौन है? मोदी जी। तो दूसरी कौन सी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, पेंशन भी, ठीक है। थर्ड देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आप लोग देखते हैं ना कि एटम्स की जितनी भी एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी का भी डिपार्टमेंट कौन रखेगा? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के पास एटम, एटम बॉम्ब, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे याद कर लीजिए। एटम बॉम्ब अगर किसी कंट्री के ऊपर गिर गया, बोलते हैं ना एटॉमिक एनर्जी, इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, तो वो किसी भी नॉर्मल पर्सन को नहीं दे सकते, वो प्राइम मिनिस्टर अपने अंदर होल्ड करते हैं एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, आप लोग देख ही रहे हैं जैसे कि आजकल हम लोग स्पेस में बहुत ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, तो स्पेस का जो डिपार्टमेंट होगा कौन सी स्पेस पे सैटेलाइट्स भेजनी है इसरो से। इसरो आप लोग जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो कौन सी स्पेस पे मिशन भेजेगी, कौन सी सैटेलाइट्स भेजेगी, कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आप लोगों को समझ आ रहा है, ऐसे ही हम सारे मिनिस्टर्स को धीरे धीरे करके देखते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगी, फर्स्ट हमने जो पढ़ा है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने होल्ड किया हुआ है। सेकंड हमने कौन सा देखा? कोई भी ग्रीवियंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम किसको बोलेंगे? मोदी जी को ही तो बोलेंगे। कोई भी हमें प्रॉब्लम आ गई हम तो मोदी जी के पास जाएंगे। भाई हमने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम तो आप ही को बताएंगे ना। तो ग्रीवियंस की जितनी भी प्रॉब्लम है, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन भी उसी के अंडर आता है, तो वो किसको आएगी? मोदी जी। अब उसके बाद मैंने आपको कैसे बताया, थर्ड था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है गाइस, तो एटॉमिक एनर्जी हम किसी को भी तो नहीं दे देंगे ना, तो किसको देंगे? मोदी जी के पास है एटॉमिक एनर्जी। फोर्थ कौन सा था? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। स्पेस का जो डिपार्टमेंट है ना, स्पेस पे सैटेलाइट भेजनी है, स्पेस पे कोई मिशन भेजना है, जैसे अभी हम लोग क्या क्या भेज रहे हैं ना मिशन, आप लोग जानते होंगे, मंगलयान, गगनयान, इतने सारे हम लोग स्पेस पे मिशन भेजते हैं, स्पेस पे सैटेलाइट्स भेजते हैं, किसके अंदर आता है पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है हमारे नन अदर देन मोदी जी, मोदी जी के पास। एक और चीज़ गाइज, इन डिपार्टमेंट्स के अलावा, और जितने भी मैं आपको डिपार्टमेंट्स बताने वाली हूँ, अगर उसके अलावा कोई डिपार्टमेंट नहीं, मतलब जैसे किसी को अलॉट हुआ, तो वो डिपार्टमेंट भी डायरेक्टली मोदी जी के पास चला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली मोदी जी के पास चला जाता है। ओके, मोदी जी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, वो क्या है? आप लोगों ने सुना होगा ना नीति आयोग, जिसका पहले नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग जो है उसके भी हेड कौन होते हैं, ये पूछा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि नीति आयोग है हमारी, जो किसकी रिप्लेस करके बनी है, ये हमारी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनी है, किसके अंडर आती है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। कौन है इसके चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपको मोदी जी से सारी बातें समझ आ गई, कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे मिनिस्टर्स को देखेंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर पे, जो कि है राजनाथ सिंह। क्या है? राजनाथ सिंह। अब देखिए राजनाथ सिंह जी जो है ना, आप इनकी पहले फोटो देख लेते हैं। राजनाथ सिंह जी, इनको ना बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करवाई है। कौन सी? डिफेंस होती है ना हमारी सुरक्षा। हमारी सुरक्षा किसको दे दी? राजनाथ सिंह जी को। ऐसे मान लीजिए राजनाथ सिंह जी को राजा मान लीजिए, एक तरीके से राजा को पूरी सुरक्षा करनी होती है ना अपने सबकी, जितनी भी उनकी प्रजा है उसकी सुरक्षा कौन करता है? राजा करता है। तो वैसे ही हमने राजनाथ सिंह जी को क्या दे दी? डिफेंस। सारी सुरक्षा किसके पास होगी? राजनाथ सिंह जी के। ऐसे राजा मान लीजिए, राज से हमने क्या एसोसिएट कर लिया गाइस? हमने एसोसिएट कर लिया राजा। तो राजनाथ सिंह जी जो कि राजा हैं, उनको हमने सारी सुरक्षा, सारी प्रजा की सुरक्षा दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, सुरक्षा की जो मिनिस्ट्री है किसको दी गई है? वो दी गई है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी की आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अमित शाह। अमित शाह सब जानते होंगे ना इनको, अमित शाह जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में छाए रहते हैं ऑलवेज, है ना। कौन है अमित शाह? अब मान लीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं, कोई अमित शाह से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है और आपने ये कभी नहीं देखा, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि होंगे कोई, हमें तो नहीं पता, बट जब आपने ये क्लास देख ली, आपको पता है वो कौन है, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज़ में देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक होगा, अरे ये तो हमको पता था, ये तो वही है ना। तो इसीलिए गाइज आपके लिए जीके की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं भी कर रहे, चाहे आप कोई एग्जाम नहीं देने वाले, पर इन जनरल आप इस कंट्री में रहते हैं, तो एटलीस्ट हमको हमारी कंट्री की हर चीज़, जैसे कि मैंने अभी एक सीएम और गवर्नर की वीडियो भी लाई थी मैं, तो एटलीस्ट आपको हर स्टेट के सीएम गवर्नर्स पता होने चाहिए, और सीएम गवर्नर्स भी हैं। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा सेंटर का लेवल है ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री है हमारी, तो ये पता ही होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आप इसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करवाना है सबने। ठीक है, और ये आप अपने इवन छोटे किड्स होंगे ना जो, उनको भी दिखाइए, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी मिनिस्ट्री में कौन होती है। अभी से आप उनके अंदर ये आदतें इनकल्केट करेंगे ना, तो धीरे धीरे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, उनको पता होगा कि राजनाथ सिंह जी कौन है, हमारी ये मिनिस्ट्री कौन है, धीरे धीरे बताइए। ठीक है, ये बहुत ईजी रहेगा उनके लिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अमित शाह। अमित शाह जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है बताइए। तो जो अमित शाह जी हैं उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, सुना होगा आपने। तो ऐसे कर लीजिए, अमित शाह जी हैं, वो शाह हैं, वो घर पे रहते हैं। घर शाह, ऐसा होता है ना, शाही लोग घर पे रहते हैं। मैं कह रहे हम कहीं बाहर तो नहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे, शाह हैं वो। तो अमित शाह जी के पास होम अफेयर्स है। कैसा है? घर का सब कुछ शाही होना चाहिए। तो घर को कौन देख रहे हैं? अमित शाह जी। अमित शाह जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। प्लीज़ कोई इसको कुछ गलत मत लेना, मैं जो छोटी छोटी ट्रिक्स देती हूँ वो सिर्फ आप लोगों को लर्न करने के लिए होती है, किसी के पर्सनल हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास है? अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह जी। तो अमित शाह जी जो है उन्होंने कौन सा मंत्रालय संभाला है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहयोगिता होती है ना, सहयोग वाला, वो वाला मंत्रालय किसको मिला है? कोऑपरेशन का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिसेंटली एडिशन हुई है इस मिनिस्ट्री की। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है रिसेंटली एडेड मिनिस्ट्री है गाइस, इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो जोन सी भी मिनिस्ट्री अभी रिसेंटली ऐड हुई है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो कोऑपरेशन जो मंत्रालय है हमारा, सहयोगिता का मंत्रालय जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसी बार आया है, इसीलिए ऐड हुआ है इसी बार, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किसको मिली है? वो मिली है हमारे अमित शाह जी को। इनको दो मंत्रालय मिले हैं, एक तो होम घर का सारा होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, ठीक है, और दूसरा कौन सा मिला है? कोऑपरेशन, सहयोगिता का मंत्रालय, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, होम अफेयर्स और कौन सा है बताइए कोऑपरेशन, ठीक है। ये मिले हमारे अमित शाह जी को। नेक्स्ट इज नितिन जयराम गडकरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नितिन जयराम गडकरी जी। बताइए क्यों? क्योंकि इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री है? मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ, बताइए। नितिन जयराम गडकरी, देखिए नितिन जयराम गडकरी जी जो हैं इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आप लोगों को कहीं भी जाना है, रोड से ही तो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी रोड्स अच्छी होनी चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको वहाँ की रोड्स इतनी बेकार मिली, आपका मूड ही खराब हो जाएगा ना, हो ही जाता है। तो रोड्स, ट्रांसपोर्ट और हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है गाइज। हमारे इंडिया की जितनी भी रोड की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है। नितिन जयराम गडकरी जी बहुत इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारी रोड जितनी से जितनी बेटर हो पाए ना, उतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर कर रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे किसके पास है? नितिन जयराम गडकरी। ऐसे कर लीजिए, गड़गड़ 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 होती है ना, गाड़ी चल रही है, गड़गड़ 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 ऐसे, ठीक है। तो नितिन जयराम गडकरी, गाड़ी चल रही है रोड पे, गडकरी, ठीक है। छोटा सा टिप था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज श्रीमती निर्मला सीतारमन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात फीमेल है, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड कर रही है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को आज से हमेशा से बताती आ रही हूँ, अपनी जितनी भी वीडियोस आप लोग मेरी देखिएगा, कि कोई भी विमेन है अगर और वो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है गाइस, वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारी वुमेन है कैबिनेट मिनिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करके बैठी है। कौन है? इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो किसके अंडर है? तो वो है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन। देखिए अब इनकी फोटो देख लीजिए, कभी भी न्यूज में बहुत छाई रहती हैं। बताइए कौन है ये? कौन है? हमारे बजट भी पेश करती हैं। अगर आप लोगों को पता है बजट आता है हमारा, और हमारा बजट कौन पेश करता है तो आप इसका आंसर डेफिनेटली दे देंगे। तो हमारा बजट जो है वो कौन पेश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारा बजट पेश करते हैं हर साल, ठीक है। तो कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? वो है हमारे नन अदर दैन निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन को जैसे आप ऐसे याद कर लीजिए, आपके घर में पापा या मेल जो भी मान लीजिए पैसा लेके आए, ठीक है, तो आके मम्मी को दे देते हैं ना, सबके पापा मम्मी को दे देते हैं ना, तो पैसा तो ऐसे याद कर लीजिए, हमारा जो भी फाइनेंस है ना हमने किसी लेडी को दिया हुआ है, वुमेन को दिया हुआ है, हमारी मम्मियों को दे देते हैं ना, तो क्या करेंगे हमने ना सारा पैसा जो है ना वो वुमेन के हाथ में रखवाया हुआ है। तो वो वुमेन कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी जो हैं उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पहला डिपार्टमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट यही हमेशा पेश करती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक पीछे आया था कोऑपरेशन, उससे इसको कंफ्यूज मत करना, वो था कोऑपरेशन, कोऑपरेशन था वो किसके पास था? अमित शाह जी के पास, जो कि रिसेंटली एडिशन हुई थी, है ना, तो अमित शाह जी के पास कोऑपरेशन था, रिसेंटली ऐड हुआ था, वो अलग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये किसके पास है? ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी के पास। इनके पास दो इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पैसे का जो भी है मिनिस्ट्री वो, और दूसरा इसे वित्त मंत्रालय बोलते हैं, वित्त मतलब पैसा, वित्त मंत्रालय, ठीक है, और सेकंड इज कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हमारी वुमेन जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, गाइस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, और हमारी कोई अगर वुमेन होल्ड कर रही है तो क्लैपिंग की बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, एक तो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो तो पीएम है, वो तो अलग हो गया, अब ये कौन है? इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब इनके पास कौन सा मंत्रालय है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एग्रीकल्चर और फार्मर्स का वेलफेयर, मतलब आप ऐसे कर लीजिए, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी है ना, उन्होंने जितना भी ये कृषि से संबंधित है, किसानों से संबंधित है ना, वेलफेयर क्या होता है कि भला करना, तो किसानों का भला करना, और जितना भी एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी, इन सब से रिलेटेड किसने रख लिया? नरेंद्र सिंह तोमर। मोदी जी ने तो प्राइम मिनिस्टर वाला सब कुछ रख लिया, बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि एटम, स्पेस, लेकिन दूसरे ही नाम है नरेंद्र, ही है उनका भी नाम, लेकिन उनका तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने भी एग्रीकल्चर, भी तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रख लिया जो कि है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर। गाइस ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग जानते ही है ना, जो ये किसान का आंदोलन हुआ था, 3 जो लॉज आए थे उनके लिए, है ना, और अब तो रिपील भी कर लिए गए हैं, तो उस सब सिनारियो को ध्यान रखते हुए हमारा ये वाला पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड कौन है? फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज एस जयशंकर। गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए आप लोग, पहले आप इनकी फोटो देख लीजिए, देखिए एस जयशंकर जी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, कौन सा देखते हैं, तो ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है एक्सटर्नल अफेयर्स। हमारा किसी भी और किसी कंट्री के साथ कुछ भी है, मान लीजिए कोई ट्रेड है या फिर कुछ भी होता है ना किसी और कंट्री का जब आता है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, एम्बेसडर्स होते हैं, जैसे इंडिया ने अपने एम्बेसडर हर कंट्री में भेजे होते हैं, चाइना में भेजा होगा, यूएस में भेजा होगा, कहीं पे भी मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं अपने एम्बेसडर्स यहाँ से वहाँ भेजते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है कि वो वाली कंट्रीज भी अपने सारे एम्बेसडर्स हमारे यहाँ भेजते हैं, एम्बेसीज भी है दिल्ली में, अगर आप लोग कभी गए होंगे इंडिया गेट की साइड तो वहाँ पे एम्बेसीज भी आती हैं, तो वही होता है कि जितने भी एम्बेसडर होते हैं इंडिया के वो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर हमारे यहाँ होते हैं, और ये सब किसके अंडर आता है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसके अंडर आता है गाइस? वो है हमारे नन अदर देन एस जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स में हम जय कर रहे हैं, जय जयशंकर, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत बड़ी बात है दूसरी कंट्रीज के साथ, तो हम क्या करें, जय हो जय हो, ठीक है। मतलब ऐसे मान लीजिए हमारी कंट्री से कोई लोग जा रहे हैं दूसरी कंट्री और बोल रहे जय हो जय हो, जय भारत की, जय भारत माँ, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा इंटर देख लीजिएगा। तो एस जयशंकर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अर्जुन मुंडा कौन से मिनिस्टर हैं, ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति होती है ना ट्राइब्स, ट्राइब सुना होगा आप लोगों ने, हाँ। तो ट्राइबल अफेयर्स जो होते हैं ना, जनजातियों के जो मंत्रालय है, वो किसके अंडर आता है गाइस, वो आता है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं। आप ऐसे कर लीजिए, हमारे वहाँ पे कोई ट्राइब है, उसमें एक मुंडा है, ऐसे आते हैं, मुंडा मतलब पंजाबी में लड़के को बोलते हैं, तो एक मुंडा है बहुत अच्छे से काम करता है सारा, तो ट्राइबल अफेयर्स में एक मुंडा है, तो छोटा सा हिंट है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके अंडर आ गई, अर्जुन मुंडा। क्या नाम हो गया, अर्जुन मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट स्मृति जुबिन ईरानी कौन है, सब जानते होंगे है ना, और लेडीज और गर्ल्स तो बहुत अच्छे से जानती होंगी इनको, कौन थी ये, तुलसी, क्योंकि सास भी कभी वो होती, उसमें आती थी ना तुलसी, तो वही है हमारी स्मृति जुबिन ईरानी। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मिनिस्ट्री होल्ड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन। आप ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, वुमेन भी चाइल्ड भी, घर में बच्चे भी हैं और वुमेन भी है, वो टीवी सीरियल से इनको कितना एसोसिएट कर सकती है ना, सब लोग देखते थे, क्योंकि साथ भी बहू थी तुलसी, तो ये तुलसी से ही कौन सा हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वुमेन इनको बहुत अच्छे से जानती हैं, इसलिए उनको उनकी इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, बच्चों का भी और वुमेन का भी, तो इनको कौन सी मिनिस्ट्री दे दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसको दे दी गई, स्मृति जुबिन ईरानी को, किसको, स्मृति जुबिन ईरानी को, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल जी के पास कौन कौन से मिनिस्ट्रीज हैं, हम देख लेते हैं। पहले आप इन लोगों की फोटो देखिए पीयूष गोयल जी की। तो पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स और इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है गाइस, इनके पास सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्रीज है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे मिनिस्टर्स के पास एक या दो है, इनके पास देखिए 1 2 3 4 मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पीयूष गोयल जी। तो पहली मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंड मिनिस्ट्री कौन सी है इनके पास, कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स किसके पास है, पीयूष गोयल, ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर अफेयर पीयूष गोयल, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाने से रिलेटेड जो है और खाने को जो बांटने से रिलेटेड है, पीयूष गोयल। और फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री भी किसके अंडर है, इनके अंडर। पहले वो स्मृति जुबिन ईरानी के अंडर थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही मंत्रालय है, कौन सा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और टेक्सटाइल वाला डिपार्टमेंट पीयूष गोयल जी को दे दिया गया। तो पीयूष गोयल जी से कौन कौन से आपको याद रखने हैं, 4 डिपार्टमेंट से दोबारा बताती हूँ, कॉमर्स और इंडस्ट्री, ऐसे कर लीजिए कि पैसों से रिलेटेड कॉमर्स और इंडस्ट्री, सेकेंड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल भी पैसों से ही लगेगी, तीसरा फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पैसों से ही लगेगा है ना, खाना चाहिए या किसी को तो वो भी, और कंज्यूमर अफेयर्स, हमें कोई चीज़ चाहिए या कुछ भी कंज्यूमर को कुछ चाहिए तो वो भी पैसों से आएगा। तो पैसों से हमने क्या कर लिया, पीयूष, पीयूष को हमने पैसों से रिलेट कर दिया है, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री पैसों से, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हंसते हुए पीयूष गोयल जी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं गाइस, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, तो हमारा नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, ये प्रधान जी हैं एकदम, ऐसा होता है ना जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा गांव में भी प्रधान होते हैं, तो प्रधान को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी जाती हैं, होता है ना प्रधान का मतलब ही होता है प्रधान है भाई, मेन है बंदा, तो इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट दे दिए गए देख लेते हैं, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज मिली है, धर्मेंद्र प्रधान एकदम प्रधान है वो, क्या मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, आपको अपनी योग्यता को और बढ़ाना है, स्किल्स को डेवलप करना है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहला डिपार्टमेंट का नाम क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन हमने किसी प्रधान को दे दी, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट थे वो प्रधान है, वो धर्मेंद्र प्रधान है। क्या दे दिया हमने उनको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने उनको क्या दे दिया? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल, स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। बोलते हैं ना आजकल कि सिर्फ पढ़ाई के उस पर आपको नौकरी मतलब मिलनी मुश्किल हो रही है, तो अगर आपके अंदर कोई और स्किल्स भी हैं, है ना, स्किल्स भी हैं तो अच्छे से नौकरी मिल जाती है। तो पढ़ाई के साथ हमने स्किल्स को मर्ज कर दिया और ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, हमने किसी प्रधान बंदे को दे दिए, एकदम मेन बंदे को। कौन है वो? धर्मेंद्र प्रधान। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको बताती जा रही हूँ जिससे कि आपको ना लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो आप इनकी फोटो देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की। नेक्स्ट इज प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी, ये देखिए आप इनकी फोटो, प्रहलाद जोशी। इनके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है? फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पहला क्वेश्चन। और सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। कोयला और माइंस होती है ना जो, उनकी मिनिस्ट्री किसके पास है? प्रहलाद जोशी। ऐसे कर लीजिए जैसे गाड़ी है या ट्रेन है, उसके अंदर जब हम कोयला डालते हैं उसमें जोश आ जाता है, वो फटाफट फटाफट चलती है, छुक 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 ऐसे चलती है ना, बहुत तेज तेज। तो हमने क्या करा? कोल, कोल से हमने क्या ले लिया? ट्रेन में या किसी भी चीज़ में हमने कोयला डाला है, ठीक है, तो वो बहुत जोश आ गया उस ट्रेन के अंदर, बहुत जोश आ गया है कोल की वजह से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल के साथ ही हम माइंस भी ले लेंगे, ठीक है। तो कोल और माइंस का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? जोशी। जोश आ गया उनके अंदर, प्लान जोशी। और दूसरा पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आपने देखा होगा कभी कभी पार्लियामेंट्स की प्रोसीडिंग चल रही होती है, ऐसे ठक ठक करके मार रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, है ना, कि हमारे को ये पसंद है, हमारे को ये नहीं पसंद है, कितने जोश में रहते हैं ना वो लोग। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी काफ़ी जोश में रहते हैं, टक 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 करते रहते हैं जब उनको कोई चीज़ नहीं पसंद आती। आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा की काफ़ी बार प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, न्यूज़ चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा। तो हमने जोशी जी से दो इम्पॉर्टेंट करे हैं, एक है हमारा कोल, ट्रेन में जोश आ गया एकदम कोल डालते ही, और दूसरा पार्लियामेंट में टक 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 करते हैं ना वो, तो वो वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रहलाद जोशी। गाइस, आप लोगों को ये ट्रिक्स अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट इज नारायण राणे। नारायण राणे कौन है? देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा MSME, बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं MSME। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा MSME क्या होता है, वो मैं आपको लोगों को बताती हूँ, ठीक है। और बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। MSME क्या होता है? देखिए, माइक्रो स्मॉल, माइक्रो स्मॉल छोटा, मीडियम थोड़ा उससे बड़ा, एंटरप्राइजेस एक होते हैं बहुत बड़े बड़े, है ना, काम होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, और एक होती है छोटा छोटा कुछ। जैसे मान लीजिए किसी ने छोटी सी एक कॉटन की टेक्सटाइल लगा ली, किसी ने छोटा सा एक कुछ भी छोटे छोटे से जो हम उद्योग लगा लेते हैं ना, उसको बोलते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो छोटे छोटे काम किसको दे दिए गए हैं? नारायण राणे। नारायण राणे, नारायण राणे। छोटा सा काम है तो वो बंदा बोल रहा है भगवान के भरोसे, नारायण के भरोसे है, ये चल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे एसोसिएट कर लेंगे हम। तो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसको दे दिया गया है? नारायण राणे। भगवान के भरोसे छोटा सा काम है, भगवान के भरोसे, नारायण के भरोसे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्वानंद सोनोवाल। कितना प्यारा सा नाम है, देखिए, और कितने हंसते हुए हैं। सर्वानंद सोनोवाल कौन है? ये इनके पास ना दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। सर्वानंद सोनोवाल, फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज, पहली मिनिस्ट्री इनके पास, ठीक है। सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आप लोगों ने सुना होगा ना, आयुर्वेद, यूनानी, सुना है आप लोगों ने, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी, सुना है आप लोगों ने। आयुर्वेद जितना हम लोग आजकल कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो जा ही रहे हैं, पर अगर हम देखें ना, बहुत सारी ऐसी डिसीजेज है जिसको हम सिर्फ आयुर्वेद से क्योर कर सकते हैं, होम्योपैथी से क्योर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने सारे ऋषि मुनि रहते थे, उनके पास इतना जेम ऑफ नॉलेज है ना कि आप इस आयुर्वेदिक दवाई से बनाइए, इस आयुर्वेदिक दवाई से बनाइए तो ये हो जाएगा। तो वही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वही काम करती है, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, सिद्धि में, योगा में, एलोपैथी में, सब में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का डिपार्टमेंट किसके पास है? सर्वानंद सोनोवाल। ऐसे कर लिए सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद मतलब सर्वानंद को हम ऐसे ले लेंगे, सर्वानंद हमेशा आनंद में रहते हैं। अगर आप आयुर्वेद वगैरह में जाएंगे, अगर आप योगा कर रहे हैं, आप सर्वानंद हमेशा आनंद में रहेंगे। सर्वानंद सोनोवाल हमेशा आनंद में रहेंगे। कैसे कैसे रहेंगे? योगा करके, ऐसे सोच लीजिए। तो योगा वाला, आयुष वाला डिपार्टमेंट किसके पास है? इनके पास है। सर्वानंद हमेशा आनंद में। और दूसरा हमने सर्वानंद से रिलेट किया, सर्वानंद मतलब हमेशा खुश है। कोई इंसान पोर्ट्स में, शिप में, वाटरवेज में जा रहा है, किसी जर्नी में वाटरवेज में जा रहा है, शिप में बैठ के जा रहा है, कितना आनंद आता होगा ना, शिप में बैठ के जा रहे हैं, क्रूज में जा रहे हैं, इस तरीके से सोच लीजिएगा। तो सर्वानंद सोनोवाल से हमने क्या एसोसिएट किया? सर्वानंद हमेशा खुश। कब होंगे हम? आयुष, आयुर्वेद, योगा ये सब कर रहे हैं, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, हम पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज, हम शिप में जा रहे हैं, कहीं बैठ के एकदम आनंद में है, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो भी माइनॉरिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, उनकी मिनिस्ट्री किसके पास होगी गाइस? उसकी होगी मुख्तार अब्बास नकवी। इनको आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि मुख्तार अब्बास नकवी, या फिर ऐसे कर ले सकते हैं, हम इनिशियल से लेते हैं, एम से मुख्तार अब्बास नकवी। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। कौन सा? माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गाइस, इसमें कुछ इतना एक्स्ट्रा बताने वाला है नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, और जो छोटी छोटे ट्रिक्स मैं आपको अच्छे से दे सकती हूँ, जैसे कि आपको दिमाग में उसी टाइम क्लिक हो, वो भी देती जा रही हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अब है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, देखिए इनके पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस करनी है और एम्पावरमेंट करनी है, किसके पास है? वीरेंद्र। वीरेंद्र के पास क्या है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। सोशल जस्टिस करनी है उन्होंने और एम्पावरमेंट करनी है, एम्पावरमेंट करनी है किन्होंने? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट इज गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, देखिए गिरिराज सिंह जी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करे हुए हैं। देखते हैं कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। रूरल डेवलपमेंट, गांव का भी सुधार करना है हम लोग को। ये नहीं कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े जा रहे हैं, अपने अर्बन सिटीज़ को ही अच्छा करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को एक पूरा डेवलप्ड इंडिया चाहिए, तो हमें साथ साथ अर्बन के साथ साथ रूरल भी डेवलप करना है। तो रूरल के डेवलपमेंट के लिए, और आप रूरल से ही एसोसिएट कर सकते हैं पंचायती राज, पंचायत है गाँव में, ऐसे सोच लीजिए। तो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज किसके अंडर है? गिरिराज सिंह। किसके अंडर है? गिरिराज सिंह। अब ऐसे सोच सकते हैं रूरल डेवलपमेंट है, कौन करेंगे? गिरिराज। गिरिराज हैं वो, गिरिराज। वो क्या करेंगे? हमारी रूरल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ज्योतिराज सिंधिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, और बीजेपी में आते हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिला है, जो कि है सिविल एविएशन, उड्डयन मंत्रालय। उड़ते हैं ना जो सिविल एविएशन, एरोप्लेन वगैरह जिसके अंडर आते हैं, सिविल एविएशन, वही मिला है इनको ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया क्या मिला है इनको? उड़ने का डिपार्टमेंट। कहाँ से आए? एकदम कांग्रेस से आए, उड़ के आए एकदम बीजेपी में, और इनको कौन सा मंत्रालय मिला? उड्डयन, एकदम कौन सा? सिविल एविएशन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। जिस पे भी मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, कौन सा मंत्रालय? स्टील। स्टील का जो मिनिस्ट्री है किसके पास है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह। आपने देखा ना स्टील कितना हार्ड होता है, ऐसे ही हम बोलते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम आ गई, राम जी का नाम लो, इस तरीके से आप एसोसिएट कर लीजिए। स्टील, स्टील को किससे हमने करा है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह, स्टील, इस तरीके से करेंगे। अश्विन वैष्णव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विन वैष्णव ऑलवेज न्यूज में भी रहते हैं, आप लोगों ने काफी बार इनके बारे में सुना भी होगा, अश्विन वैष्णव, ठीक है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री करते हैं? नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आप लोग का एग्जाम भी हुआ होगा, शायद आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने रेलवे का एग्जाम दिया होगा, एनटीपीसी का, तो इनके बहुत सारे आते रहते थे, न्यूज में भी रहते थे। ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज किसके अंडर आता है? अश्विन वैष्णव, अश्विन वैष्णव। सेकंड कौन सा आता है रेलवे के साथ? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। थर्ड कौन सा आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी, वो सब भी किसके पास है? अश्विन वैष्णव। तो अश्विन वैष्णव जी के पास तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंत्रालय हैं। कौन कौन से? रेलवेज, कम्युनिकेशन और आईटी। आप इसको छोटा सा ऐसे एसोसिएट कर लेते हैं हम लोग कि रेलवे में हम जा रहे हैं, अब हमारी रेलवे जो है बहुत हाईटेक हो गई है, ठीक है। अब आप लोग देख भी रहे हैं बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो बहुत हाईटेक हो गई है। तो हमारी रेलवे में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, एकदम अच्छे से सब कुछ चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी भी है, मतलब वाईफाई, ये सारी हमने जितनी भी, और जीपीएस की लोकेशन, ये सारी लोकेशंस जो होती हैं, ये सारी जितनी भी हमने इंपॉर्टेंट होती है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, रेलवे, ये सब हमारी मॉडर्न रेलवेज के अंदर आ रही हैं। और किसको दे दिया गया है? अश्विन वैष्णव, अश्विन वैष्णव, ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस। देखिए पी कितना प्रोमिनेंट हो रहा है, पशुपति कुमार पारस, कितना पी आ रहा है इसमें। तो इनके मिनिस्ट्री में भी ऐसे कुछ होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। एक मैंने आपको बताया था, वो क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो अलग है, ठीक है। वो किसके पास थी? बताया था मैंने आप लोगों को, बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। और ये कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ये प्रोसेस करेगी फूड को, और इंडस्ट्रीज, फूड की प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज किसके पास है? पशुपति कुमार पारस। तो पी से आप एसोसिएट कर लेना, प्रोसेसिंग वाला डिपार्टमेंट इनके पास है, ठीक है। और वो मैं बता देती हूँ पीयूष गोयल जी के पास, वो पीयूष गोयल जी के पास है। और ये किसके पास है? पशुपति कुमार पारस जी के पास। नेक्स्ट गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आप लोग देख ही रहे हैं अभी हमारी जो गवर्नमेंट है कितना पानी से रिलेटेड सब कुछ बना रही है कि हर घर जल आए, कितने सारे इंपॉर्टेंट जल से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो जल शक्ति किसके अंडर आता है? वो ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। नेक्स्ट इज किरण रिजिजू, क्या नाम है इनका? किरण रिजिजू। कौन सी है इनके पास मिनिस्ट्री? लॉ एंड जस्टिस, जो भी हमारी लॉ से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड है ना, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू के पास कहाँ है? लॉ एंड जस्टिस, जे से देख लीजिए, जस्टिस, जीजू, रिजिजू है ना इनका नाम, और जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। तो ध्यान रखिएगा लॉ एंड जस्टिस। हम नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार सिंह, क्या नाम है इनका? राजकुमार सिंह। देखिए इनके पास कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एकदम न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी समझते हैं ना, जो ऑटोमेटिकली एनर्जी रिन्यू होती रहती है, जैसे सोलर एनर्जी होगी आपकी, विंड एनर्जी होगी, वाटर की हो गई। तो ये क्या होती है हमारी? ये खत्म नहीं होगी, ये हमारे पास अबंडेंस में है। तो इसीलिए ना आजकल इस वाली चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है गवर्नमेंट का, कि हम जितना भी हो सके अपने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर सकें, क्योंकि वो न्यू है और रिन्यूएबल एनर्जी है। और दूसरा कौन सा है इनके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर। तो किसके पास है ये? राजकुमार, राजकुमार हैं कोई, वो ऐसे सोच लीजिए आप, राजकुमार है, वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बार बार करना चाह रहे हैं। वो ऐसे मान लीजिए कोई राजा का बेटा है राजकुमार, उन्होंने बोला कि हाँ हम क्या लेके आएंगे, हम एनर्जी का अच्छा नया सोर्स लेके आएंगे, जो पहले होता जा रहा था अब हम उसको चेंज करना चाहेंगे। कौन सा ला रहे हैं वो? रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज ला रहे हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। छोटा सा हिंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज हरदीप सिंह पुरी। गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि इनके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। देखिए फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। देख रहे हैं ना पेट्रोल के रेट्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल और ये जितने भी हमारे कोल हैं ये सब लोग ख़त्म भी होने वाले हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को शायद ही मिल भी ना पाए हम जिस तरीके से इनको यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पहली मिनिस्ट्री। और सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जितनी भी हम लोग अपनी हाउसिंग में और अर्बन अफेयर्स में जितनी भी तरक्की लेके आप आ रहे हैं, किस मिनिस्टर के वो है अंडर आ रहा है? हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी जी दो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, एक तो पेट्रोल और नेचुरल गैस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग और पेट्रोल वाला, दोनों किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट इज मनसुख मंदाविया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मिनिस्ट्री है इनके पास? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। आप लोगों ने देखा इधर कोविड में कितनी प्रॉब्लम हुई है हेल्थ से रिलेटेड, तो हमने किसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर दिया है? मनसुख मंदाविया। बोलते हैं ना मनसुख तो तन सुख है ना, ऐसे मान लीजिए मन सुख अगर किसी का तो तन भी सुख होता है, मतलब अगर आप खुश रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहते हैं। इस तरीके से छोटा सा हिंट है, मन सुख तो तन भी सुख। तो मनसुख मंदाविया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नंबर 1 डिपार्टमेंट। और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अगर आप केमिकल और फर्टिलाइजर्स नहीं यूज कर रहे हैं तो आप काफी खुश रहेंगे, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो मनसुख मंदाविया फैमिली वेलफेयर और दूसरा केमिकल्स। नेक्स्ट इज भूपेंद्र यादव, इनके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट की। भूपेंद्र जी किसको ध्यान रख रहे हैं? एनवायरमेंट को, पहली बात। दूसरी बात लेबर और एम्प्लॉयमेंट, लेबर और एम्प्लॉयमेंट। और तीसरी बात क्या है? फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो भूपेंद्र यादव जी के पास 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी है? एनवायरमेंट, हमारा जितना भी एनवायरमेंट है वो, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज भी एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया वो, और लेबर और एम्प्लॉयमेंट। हमें अगर अपने एनवायरमेंट को अच्छा रखना है तो हमें ट्रीज वगैरह नहीं काटने, हमें अपने लेबर और एम्प्लॉयमेंट को कहीं और एंगेज करना है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो कौन कर रहा है? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट इज महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र जी को हैवी हैवी काम दे दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी काम। हैवी काम किसको दे दिए गए? महेंद्र जी को। और छोटे छोटे काम किसके थे? एमएसएमई वाले, नारायण राणे जी के। तो महेंद्र है ये, महेंद्र नाथ पांडे, इनको क्या दे दिए गए? हैवी हैवी काम दे दिए गए, हैवी इंडस्ट्रीज। पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री किसको दे गई? पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला जी को। डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, जितना भी एनिमल से रिलेटेड, फिशेस से रिलेटेड, डेयरी से काम रिलेटेड है, सारा किसको दे दिया गया? पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, कौन कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म पहला, और नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी डेवलपमेंट करनी है किसको दे दिया गया? रेड्डी। क्या नाम है इनका? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। कल्चर और टूरिज्म भी इनको दे दिया गया, कल्चर और टूरिज्म सारा, ठीक है। और दूसरा क्या है? नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी डेवलपमेंट करनी है हम उसके लिए रेडी हैं, ऐसे याद कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी डेवलपमेंट करनी है हम उसके लिए रेडी हैं, और कल्चर और टूरिज्म के लिए भी हम रेडी हैं। नेक्स्ट इज अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुराग ठाकुर जी बहुत न्यूज में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी के साथ ऑलवेज ये न्यूज में रहते हैं। कौन है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जितना भी ब्रॉडकास्ट करना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है कौन देंगे? अनुराग जी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स। स्पोर्ट्स की जितनी भी मिनिस्ट्री है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी आप लोगों ने जैसे कि देखा ही है हम लोग कितने अच्छे अच्छे ओलंपिक में मेडल जीत के आए हैं, कितना हम सब कुछ ओलंपिक्स के अंदर करके आए हैं, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अनुराग ठाकुर जी ने 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड करी हैं, एक है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइज, ये हमारे खत्म होते हैं ये। अब हम इसके अंदर 2-3 और नाम देख लेते हैं, जो कि है मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, बट वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इनके पास मैं नाम आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देती हूँ। राव इंदरजीत सिंह। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी बोलते हैं जिसको, सुना होगा आप लोगों ने मॉस्पी। तो मॉस्पी की इंडस्ट्री किसके पास है? राव इंदरजीत सिंह। नेक्स्ट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, ये सब कुछ किसके पास है? हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या है इनके पास? अर्थ साइंस, और साइंस की टेक्नोलॉजी जितनी भी है ना वो सब इनके पास है। नेक्स्ट इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये भी कुछ है। श्रीपति यसोदो नायक, श्रीपद यसो नायक, क्या है इनके पास? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है गाइस, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं है, ये स्टेट्स का कुछ इंपॉर्टेंट दे दिया गया इनको। पहला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज एंड टूरिज्म, ये भी है इनके पास। नेक्स्ट इज फागन सिंह कुलस्ते, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और थर्ड है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो गाइज विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद ऑल द इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।